माय डियर, पार्ट सिक्स में क्या है? अंडर रूट के अंदर वन प्लस साइन ए और उसके नीचे है वन माइनस साइन ए, ये दोनों अंडर रूट के नीचे है, ठीक है? ये अंडर रूट के नीचे है। तो पहले तो आपको क्या कीजिए, इधर क्या है, सेक ए टेन ए है, यहां तक पहुंचना है आपको, ठीक है? तो पहले इसको आप दोनों को स्क्वायर बना दीजिए ताकि इस स्क्वायर को हटाया जा सके। इसको स्क्वायर बनाने के लिए आप इसको गुणा कर दीजिए वन प्लस साइन ए, यानी इसी संख्या से, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर वाली को करेंगे तो नीचे वाली को भी करना पड़ेगा, यानी वन प्लस सेम संख्या से करना पड़ेगा, दूसरी से नहीं कर सकते। ये पूरा हो गया अंडर रूट। अब इसको अंडर रूट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है अब ये क्या बन जाएगा, इसका इसका स्क्वायर किया तो ये वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, और साइन स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा वन वन प्लस साइन ए का ये स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये वन माइनस साइन ए को वन प्लस साइन ए से करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। माइनस प्लस को करेंगे तो वन माइनस वन का स्क्वायर वन हो गया और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट में वन प्लस साइन ए का स्क्वायर और नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या बनता है? देखिए साइन स्क्वायर ए ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस को स्क्वायर ए बराबर वन, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, कोश स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। अब देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट को खत्म करो। अगर आप अंडर रूट को खत्म करोगे इसका मतलब क्या है कि इसका स्क्वायर भी खत्म कर दो, ओके? तो आप इसको सिंपल हो जाएगा ये वन प्लस साइन ए, इसका स्क्वायर हट गया, अंडर रूट गया, यहां भी क्या होगा, कोस ए हो जाएगा, हट गया अंडर रूट। इसको आप इस रूप में लिख दिया। अब इसको आप अलग अलग कर दो, वन के नीचे भी कोस ए आ जाएगा और प्लस साइन ए के नीचे भी कोस ए आ जाएगा, ठीक है? एक ही बात है ना, इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि आपको यहां पहुंचना है। अब वन अपॉन कोस ए क्या होता है, वन अपॉन कोस ए होता है सेक ए, इसको आप जो है सेक ए लिख दो, प्लस साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए टेन ए लिख दो, टेंजेंट ए, ठीक है? इसको सॉल्यूशन किया तो ये आ गया और ये आपका राइट में क्या आ रहा है, सेक ए प्लस टेन ए, मिल गए दोनों, इसका मतलब प्रूव्ड, क्लियर? देखिए ये यहां पर इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसको पोज करके स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।